Hello everyone, welcome to my channel. This is Sharvari and now we are starting with our new chapter, which is chapter number 2, articles. So let's begin. You have already learned about the indefinite articles a and an and the definite article the. In this chapter you will learn about the additional uses of the. So, हमने आर्टिकल्स तो देखे ही हैं. आर्टिकल्स तीन होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. सो विच आर दे? ए, एन एंड द. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन वी नो. बट वी ऑल्सो नो दैट इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर ए एंड एन एंड द डेफिनिट आर्टिकल इज द आर्टिकल द. यस, we have means learned this in our previous classes. So let's come to our topic, which is uses of the. अब आप ये मत पूछने लगना कि articles मतलब वो newspaper वाला article नहीं. वो होते हैं तीन articles, a, an and the. This ये आपको अपने दिमाग में fit बिठा लेना है. So let's begin. Uses of the. Now here it is given, read these sentences and note when the article the is used. Also note when it is not used. So यहाँ पर हमें कुछ examples given है. So वो हम read कर लेते हैं और हमें ये भी देखना है कि कब article the use होता है और कब article the use नहीं होता है. So first sentence is, Vinay speaks French very fluently. And second one is, Karina wants to learn the French language. So अब इन दोनों sentences में हमें difference देखने को क्या मिल रहा है. Okay, so let's see that. We do not use the before the names of languages when used as nouns. मतलब हम जब नाउन्स, ओके, लैंग्वेज जो होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे है विनय स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली. सो वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस व्हेन यूज्ड एज नाउन्स. ओके, सो जब देखो इस एग्जांपल से ही हम समझेंगे. विनय स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली. सो फ्रेंच इज अ लैंग्वेज and it is come as nouns. Yes, वो यहाँ पे noun के जगह पर आया है. मतलब वो noun है इस sentence में. So यहाँ पर क्या दिया गया है? हमने यहाँ पर the क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ये भी तो लिख सकते थे ना, Vinay speaks the French very fluently. वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है. और जो nouns है जब लैंग्वेज नाउन की जगह पर आता है या फिर नाउन बनकर आता है, तब उसके यहाँ तब उसके पहले द नहीं लगता है. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इट इज नोटेड हियर, व्हेन द वर्ड फॉर अ लैंग्वेज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव वी यूज द. फिर यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस देखो. फिर व्हेन द वर्ड फॉर अ लैंग्वेज, when the word for a language is used as an adjective, जब हमारा जो language का word है, okay, जैसे कि यहाँ पर है Karina wants to learn the French language, so यहाँ पे the है. पर हमने तो सीखा था कि जब वो nouns के पास आते हैं तब वहाँ पे the नहीं लगता. लेकिन यहाँ पे the क्यों लगा है? क्योंकि जो name of language है वो एडजेक्टिव की तरह लिखा है. देखो, मतलब वो एडजेक्टिव की तरह बनाया गया है. देखो ये सेंटेंस, व्हेन द वर्ड फॉर अ लैंग्वेज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, मींस जब वो एक लैंग्वेज का वर्ड एडजेक्टिव को जो एडजेक्टिव की तरह आता है तब हम द यूज करते हैं. ओके, देन थर्ड वन इज, वी डू नॉट यूज द फॉर मीन्स ऑफ ट्रैवल. हम जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं सो तब हम
ट्रैवलिंग के लिए जाते नहीं, जब हम ट्रैवल के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे नेहा इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ओके, सो हमें यहाँ पे द लगाया नहीं, हमने लिखा है नेहा इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। सो जो मीन्स ऑफ ट्रैवल होते हैं वहाँ पे द नहीं लगता। देखो ये ट्रेन है तो यहाँ पे द क्यों नहीं लगा, ये कुछ रूल्स है हमें दिए गए हैं। सो हम ऐसा तो कभी नहीं बोलते बाय द ट्रेन, बाय द एयर, बाय द रोड। वी से बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड। यस, एंड एग्जांपल्स है वी आर गोइंग टू पुरी बाय ट्रेन, देन मिया एंजॉयज ट्रैवलिंग बाय रोड। देन हाउएवर व्हेन वी, देन सेकंड रूल इज हियर, हाउएवर व्हेन वी विश टू बी स्पेसिफिक वी यूज द। एग्जांपल है यहाँ पे रीटा विल बी टेकिंग द डायरेक्ट फ्लाइट टू लंदन फ्रॉम मुंबई। जब हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं तब हम द यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है रीटा विल बी टेकिंग द डायरेक्ट फ्लाइट टू लंदन फ्रॉम मुंबई। सो यहाँ पे टेकिंग डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आया है, तो क्या आया है, टेकिंग द डायरेक्ट फ्लाइट। और क्यों आया है, क्योंकि वो स्पेसिफिक हम हो रहे हैं, है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल इज वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ओके, सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रूल है, वो है जब स्पोर्ट्स है या फिर गेम्स है, सो वहाँ पे तो उस गेम के या फिर उस स्पोर्ट के पहले हम द नहीं लगाते हैं। और देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है बीना एंड हर फ्रेंड्स प्ले बैडमिंटन। अब अगर यहाँ पे बीना एंड हर फ्रेंड्स प्ले दी बैडमिंटन लगाया होता तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और हमारे रूल के हिसाब से वो वहाँ पे फिट भी नहीं होता है। सो ये आपको ज्यादा काम में आएगा। और उसके बाद वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। हम किसी भी मील के पहले द यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल राहुल हैज डिनर एट 8 PM एवरी डे। ये सब रूल्स है। ओके, आई एम रिपीटिंग दैट। देन वी डू नॉट यूज द बिफोर प्लूरल नाउन्स यूज्ड एज ए क्लास। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जहाँ पे हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं हमारे पेपर में और फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और हमारे मार्क्स भी कट जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। सो यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल द टाइगर्स आर फेरोशियस एनिमल्स। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस एंड टाइगर्स आर फेरोशियस एनिमल्स। जब हम जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वहाँ पे हम द कभी यूज नहीं करते हैं। देखो अब यहाँ पे टाइगर्स आया है, इसका मीनिंग क्या है, टाइगर्स आर फेरोशियस एनिमल्स। ओके, मतलब टाइगर फेरोशियस एनिमल्स हैं। यहाँ पे प्लूरल है ना, इसीलिए वहाँ पे द नहीं लगता है। ओके, सो वरना सुनने में भी तो ये भी अच्छा लगता है द टाइगर्स आर फेरोशियस एनिमल्स, लेकिन हमें रूल्स के हिसाब से ही चलना है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा हमें प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, हाँ, नाउ नेक्स्ट रूल इज वी डू नॉट यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स विच हैव अ जनरल मीनिंग। ग्लास इज वेरी फ्रेगाइल। यस, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रूल बिकॉज जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और जिनको एक जनरल मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ग्लास, सो वहां पे वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। अभी अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं और काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं, ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं।
ओके सो नाउ हियर इज एग्जांपल ग्लासेस वेरी फ्रेग्रेंट हमने यहाँ पे द यूज नहीं किया देन व्हेन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चर्च कोर्ट एक्सेट्रा आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पोज वी डू नॉट यूज द जब हम किसी व्हेन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोर्ट चर्च एक्सेट्रा वो प्राइमरी पर्पोज के लिए जब जाते हैं तब हम द यूज नहीं करते हैं अब एक और रूल था यहाँ पे जो था when we wish to be specific we use the यहाँ पे था जब हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं तब हम द यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है जब हम प्राइमरी पर्पोज के लिए उन जो विजिटर्स रहते हैं वो उनके प्राइमरी पर्पोज के लिए जब जाते हैं तब हम द यूज नहीं करते हैं ओके हरीश वेंट टू कॉलेज आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूलिंग ओके सो देन नेक्स्ट रूल इज व्हेन दीज places are visited for other purposes we use the agar ye primary purpose ke liye nahi to apne other purposes ke liye agar wo use hote hain so wo wahan pe the use hota hai okay mother went to the college to meet the registrar now यहाँ पे हमें एक्सरसाइजेस भी गिवन है सो बेटर टू कंप्लीट इट नाउ बिकॉज अगर हम बाद में करेंगे तो ये हमें सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी सो अभी हम एक्सरसाइज ए कंप्लीट करेंगे सो इन एक्सरसाइज ए व्हाट्स गिवन फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द वन हैज बीन डन फॉर यू सो यहाँ पे हमें करेक्ट आर्टिकल पुट करना है सो एक हमारे लिए पहले गिवन है प्लीज यूज अ स्ट्रांग बैग टू कैरी दीज बुक्स ओके सो टर्निंग टू आवर सेकंड एग्जांपल सेकंड पार्ट विच इज श्रेया लर्न्ड द जर्मन लैंग्वेज व्हेन शी टुक अप अ जॉब इन बर्लिन द आंसर इज द ओके सो यहाँ पे हमने द क्यों यूज किया क्योंकि जो जर्मन लैंग्वेज है वो एडजेक्टिव के तरह आया है हमने ये जो रूल्स है वही से ये सब लिया है ओके देन अंकल राज वेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आएगा द हॉस्पिटल टू विजिट ग्रैंड मदर ओके सो ये किसके लिए हुआ ये भी हमारे अदर पर्पोजेस या फिर जो हमने देखा था स्पेसिफिक ओके स्पेसिफिक हो है हम तब हमने यूज किया था द यस सो दैट्स व्हाई अंकल राज वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट ग्रैंडमदर वी टुक फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आएगा द सुपर फास्ट ट्रेन टू अजमेर यस्टरडे फिफ्थ एज फिल इन द ब्लैंक्स हियर It will come. The doctor was not available. We consulted a nurse who was on duty. Sixth one is where is the dress you bought for your birthday? So यहाँ पे आएगा the. Seema went to fill in the blanks की जगह पर आएगा the and market to buy fill in the blanks की जगह पर आएगा a. Few essential items and now eighth one में क्या आएगा fill in the blanks की जगह a आएगा और play which was stacked yesterday was greatly appreciated by fill in the blanks की जगह the आएगा और audience okay so यहाँ पे हमने 8 examples complete कर लिए हैं so let's come to the next topic सो यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगी सो
हम ये बाद में लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आपसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने के लिए प्लीज मुझे हेल्प करें, क्योंकि मुझे मेरे पिछले वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज मिले थे। सो इसीलिए मैं ट्राई करूंगी कि बहुत जल्द ही जल्द आपके लिए इस बुक के सॉल्यूशन लाती रहूं। सो आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।